की ओर से कुपोषण के कलंक को मिटाने के लिए किए जा रहे प्रयास रीवा जिले में लगातार असफल साबित होते दिख रहे हैं। कुपोषण दूर करने को लेकर दर्जनों सरकारी योजनाएं संचालित हैं और उसके बाद भी जिले में अभी 2200 से ज्यादा ऐसे चिन्हित कुपोषित बच्चे हैं जिन्हें पोषण पुनर्वास केंद्र में रखकर या तो उपचार की आवश्यकता है या फिर उन्हें पोषण आहार दिए जाने की आवश्यकता है, लेकिन इसके बाद भी ये बच्चे एनआरसी से दूर है। शहर सहित जिले के अलग अलग क्षेत्रों में लगभग एक दर्जन पोषण पुनर्वास केंद्र भी पिछले एक दशक से संचालित हो रहे हैं, लेकिन कुपोषित बच्चों को स्वस्थ बनाने में सहायता नहीं मिल रही है। अधिकांश एनआरसी सेंटर ऐसे हैं जहां पर शासन और प्रशासन की ओर से सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं, लेकिन वहां पर बच्चों को रखने के लिए लगाए गए बेड सूने हैं। इन सेंटरों में यदाकदा स्थिति में बच्चे पहुंच रहे हैं। हालांकि जिम्मेदारों के द्वारा पोषण केंद्र तक बच्चों को पहुंचाने का प्रयास किया जाता है, लेकिन उनके परिजनों की ओर से आनाकानी कर उन्हें रोक दिया जाता है। इसकी वजह से इनके प्रयास अधूरे रह जाते हैं। रीवा जिले में अलग अलग क्षेत्रों में कुल 15 पोषण केंद्र संचालित हो रहे हैं, जिन्हें मिलाकर 220 बेड की व्यवस्था की गई है, जबकि वर्तमान में यहाँ आधा सैकड़ा बच्चों को रखा गया है और बचे हुए सभी बेड खाली पड़े हुए हैं। देखिए, हमारा महिला बाल विकास मूल रूप से कुपोषण को हटाने पर काम करता है और हम हर महीने 10 तारीख से लेकर 20 तारीख के बीच में बच्चों का वज़न लेते हैं और हाइट और वज़न के आधार पर ये चिन्हांकित करते हैं कि कौन सा बच्चा स्वस्थ बच्चा है, कौन सा बच्चा मध्यम कुपोषित बच्चा है और कौन सा बच्चा गंभीर कुपोषित बच्चा है। ये हर महीने 10 से 20 तारीख के बीच की प्रक्रिया है। जब भी हमें कोई गंभीर कुपोषित बच्चा या मध्यम कुपोषित बच्चा मिलता है तो हम हमारा जो पोर्टल है विभाग का, जिसको हम मुख्यमंत्री बाल आरोग्य संवर्धन कार्यक्रम भी कहते हैं, उस पोर्टल पर एंट्री की जाती है। अब मान लीजिए कोई एक कुपोषित बच्चा मिल गया हमको, तो उसमें हम सबसे पहले तो पता लगाते हैं कि कुपोषण का कारण क्या है। बेसिकली क्या कहीं किसी क्लिनिकल प्रॉब्लम की वजह से तो बच्चा कुपोषित नहीं हुआ है, या फिर सामान्य उसको भोजन की उपलब्धता नहीं है उसकी वजह से कुपोषित तो नहीं हुआ है। तो हम उसके भूख की जांच करते हैं। भूख की जांच करने में स्वास्थ्य विभाग हमारा सहयोग करता है, माने ANM और हमारा महिला बाल विकास का जो टीम रहती है उससे हम जाँच करते हैं। अगर उस बच्चे को कोई क्लिनिकल प्रॉब्लम है, ठीक है, कोई मेडिकल इशू है, तब फिर हम उस बच्चे को NRC रेफ़र करते हैं, NRC में भेजा जाता है। NRC में भेजा जाना जो है महिला बाल विकास और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त जिम्मेदारी रहती है। अब जो बच्चा भूख टेस्ट में पास हो जाता है, उस बच्चे को हम समुदाय में ही रख कर जो है उसकी जांच कर, माने उसके कुपोषण को हटाने की कार्यवाही करते हैं। तो हम लगातार 12 हफ्ते तक निरंतर उस बच्चे को का फॉलोअप करते हैं, है ना। और जो हमारा मेडिकल डिपो होता है उससे जो आवश्यक दवाइयाँ होती हैं उस बच्चे को दिलवाते हैं, और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ये सुनिश्चित करती है कि कम से कम वो एक हफ्ते तक वो बच्चा लगातार दवाइयों को खाता रहे। जो ICTS प्रोग्राम के तहत नाश्ता और पूरक पोषण आहार की व्यवस्था होती है, जब कोई बच्चा कुपोषण की कैटेगरी में आ जाता है तो उसको थर्ड मील भी दिया जाता है।